यूएई के शेखों ने अबू धाबी के शेखों ने राम मंदिर बनाया, मंदिर बनाया भारत के हिंदू बड़े खुश, गुरुद्वारा बनाया सिख बड़े खुश, 2-4 लाख करोड़ रुपया कमाइए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके दर से उठा तो कहां जाऊंगा, अरब आ गया कैपिटलिज्म के प्रभाव में, अरब। आज कैपिटलिज्म चरम पे जा रहा, अरब आ गया कैपिटलिज्म के प्रभाव में, अरब। यूएई के शेखों ने अबू धाबी के शेखों ने गुरुद्वारा बनाया, वाह, राम मंदिर बनाया, बड़े लोग खुश हुए, बहुत खुश हुए, अच्छी बात भी है, बनाया तो बहुत अच्छी बात किया, बनाया तो बड़ी अच्छी बात किया, मंदिर बनाना, गुरुद्वारा बनाना अरब में, जहां उनको थोड़ा बहुत अपने रिलीजन के प्रति जुड़ाव माना जाता है, इन कैपिटलिज्म महान। मंदिर बनाया भारत के हिंदू बड़े खुश, गुरुद्वारा बनाया सिख बड़े खुश, भारतीयों के लिए सबसे नियरेस्ट फॉरेन कंट्री, गरिमा बढ़ाने वाली कंट्री की तीर्थ यात्रा है दुबई और अबू धाबी। अब असल खेमा की बारी है, और जब मंदिर वंदिर का इनॉग्रेशन हो गया, गुरुद्वारे का इनॉग्रेशन हो गया, तो वहां के शेख लोगों ने रणवीर कपूर को टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर चुना और चिल्ला चिल्ला के रणवीर कपूर और वहां के शेख साहब कह रहे कि गर्मी मनाने हमारे यहाँ आइए, वाटर पार्क, अंडर वाटर पार्क, वाटर स्पोर्ट्स सब बना दिया, आइए मंदिर में पूजा करिए और हमारे यहाँ टूरिज्म में पैसा खर्चा करिए। भारत देश ने गुरु पे बड़ा बल, बहुत बल। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, बस इन्हीं की वजह से हमारी हस्ती नहीं मिटती। गुरु यानी प्रकाश, वो व्यक्ति जो चैतन्य पर आ चुका है, चैतन्य ही हो चुका है, जुड़ना है सांसारिक उपलब्धियों के लिए नहीं, हालांकि शुरुआत में लोग आते हैं इसीलिए, बच्चे भी माता पिता से छोटे मोटे खिलौने मांगते ही रहते हैं, जब वो बड़े होते जाते हैं खिलौने खत्म हो जाते हैं, कोई बात नहीं। और अब अगर इस दुनिया, ये दुनिया अंधकार से निकलेगी, जिस अंधकार में आज दुनिया चल रही है, ऊंची बात, कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म सिर्फ इंद्रियों को समझता है, कलयुग का चरम यानी कैपिटलिज्म का चरम, सब भोगी, बाहर से कोई स्वास्थ्य के लिए नहीं खा रहा है, सब स्वाद के लिए खा रहे हैं, और जो भी स्वाद के लिए खा रहे बीमार हो रहे हैं। भौतिक उपलब्धि यानी मटेरियल अचीवमेंट्स, पत्नी, पति, महल, गाड़ी, ऐसा नहीं कि इनको छोड़ना है, नहीं रखना है, इनके पीछे नहीं भागना है, बड़ा कंफ्यूजिंग सा एटमॉस्फियर मानव के लिए हो जाता है। बड़ा प्यारी गजल पंकज उदास साहब ने गाई है, बहुत प्यारी गजल गाई, बहुत प्यारी, आप उसको अगर विश्लेषण करें, इतनी प्यारी गजल गाई है, एक तरफ उसका घर, उसका घर मतलब मंदिर मस्जिद को बोला गया है, और एक तरफ मैं कदा यानी संसार, मैं कहां जाऊं होता नहीं फैसला, उसके दर से उठा तो कहां जाऊंगा, लाइन देखिए, क्योंकि उसके सिवा इस संसार में कुछ है ही नहीं, उसके दर से उठा तो कहां जाऊंगा, और मैं कदा छोड़ दूं तो मैं मर जाऊंगा, बड़ी प्यारी गजल, उसके दर से उठा तो कहां जाऊंगा, इस पूरे ब्रह्मांड में उसके सिवा कुछ है ही, उसको छोड़ के जा ही नहीं सकते, और संसार छोड़ दो तो खत्म, आप खाना खाएंगे हेल्थ के लिए, यहां आप खाना खाएंगे टेस्ट के लिए, यहां आप मूवी देखेंगे इंफॉर्मेशन या नॉलेज बढ़ाने के, यहां आप मूवी देखेंगे सिर्फ मजे के लिए, उसमें क्या था आपको जानना ही नहीं है, उसका क्या मैसेज था आपसे मतलब ही नहीं है, यहां कान को आनंदित होना है, बस मजा लेना है, कान को कुछ भी सुना दो, म्यूजिक, रैप, रैप, रॉक, रैप, कुछ भी, यहां कान कौन सा गाना सुनेगा, आज मेरी गाड़ी में बैठ, क्योंकि कॉन्शियस इंद्रियों का इस्तेमाल करेगी लेकिन सेंसिबली करेगी, इसलिए तो मैं आपसे बार बार हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ध्यान की तरफ आइए, चुनौतियां आएंगी, युद्ध चलेंगे, लड़ाइयां चलेंगी, आप जिंदगी की कोई जंग हारोगे नहीं, कभी कभी मजे के भी मोड में आ जाए, कोई बात नहीं, अंधे मत बनिए, ऐसा नहीं ये सब छोड़ दीजिए, जो व्यक्ति साधना करेगा, जागृत होता चला जाएगा, जागने लगेगा, उसे कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं, बस जागिए, ये महल है ना, महल ये रहने दीजिए, इसको मत छोड़िए,
ये महल रहने दीजिए, इस महल में ही रहिए। आप अपने जीवन का मेन उद्देश्य बनाइए धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन में कभी नाम मत बदलिएगा कि श्यामलाल से समचुद्दीन हो गए, श्यामलाल से सैमुअल हो गए, वो कोई फायदा नहीं। आप सब अपने जीवन का उद्देश्य बनाइए, किसी गुरु की तलाश करिए, इस दुनिया में रहिए, 2-4 लाख करोड़ रुपया कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। प्रयागराज में मैंने देखा इस बार नाइट फूड्स करके स्ट्रीट खुली, प्रयाग संगीत समिति के ठीक सामने, मनमोहन पार्क के पास, नहीं मनमोहन पार्क नहीं, कंपनी गार्डन के, वहां मैंने देखा नाइट फूड्स, रात भर खाना मिल रहा है। लखनऊ में मैं देखा रात भर खाना मिल रहा है, चटोरी गली। आप देखो रात में ठंडा खाने से मना करते हैं क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाता है और टेम्परेचर का नियम है हाई से लो। अब बाहर का टेम्परेचर ठंडा हो गया और आपने अंदर ठंडी चीजें खा ली तो ठंडे होने की संभावना बहुत ज्यादा है, और ठंडे होने की संभावना अगर नहीं भी है तो शरीर को चलाने के लिए गर्मी चाहिए, तो रात में आपके सारे ऑर्गन्स डिस्टर्ब अवस्था में रहेंगे। कोशिश करिए बचिए। अब तो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो गया है,